गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वन विद्युत चुंबकीय अवशोषण और स्पेक्ट्रा के एक पार्ट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त विकिरण का अध्ययन करेंगे। इस अवरक्त विकिरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम कैसे करते हैं, किसी कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना हो, तो किस तरह हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उस कंपाउंड को पहचानने में, उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से बंध हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह हैं, किस किस पोजीशन पे क्या एटम जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। मेनली हम बंध और सिंगल बंध है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, कौन सी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यानी तनन कंपन या बेंडिंग कंपन हो सकता है, उसके आधार पे हम फिर जो अज्ञात पदार्थ है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो पहले हम जनरल चीज़ें देखेंगे कि किस बंध के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक कितने सेंटीमीटर की पावर माइनस वन पे आती है। और वन मिनट स्टूडेंट्स, राइट, फ़ोन को एयरप्लेन मोड में किया है जिससे कोई कॉल आए तो डिस्टर्ब ना हो, है ना जी। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक बंद के बारे में कि वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने वेव नंबर पे अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। आप इस में देखिए, ये नीचे है ग्राफ जहाँ 500, 1000, 1500, 2000 ये सारी डिजिट्स लिखी हुई है। अब देखिए, हम सिंगल बंध में जब बेंडिंग की बात करते हैं तो कितने पे आता है, जैसे कार्बन बंध या कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन, तीन बंध कहाँ दे रखे हैं, लगभग 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के आजू बाजू, ठीक है। अगर हम डबल बंध की बात करें, जैसे कार्बन डबल बंध ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बंध कार्बन है, कार्बन डबल बंध नाइट्रोजन, तो ये कितने पे आ रहे हैं, लगभग 1500 से 2000 के बीच में, यानी 1700 से 1750 के आजू बाजू में। इसी तरह अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें, देखिए बेंडिंग में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, स्ट्रेचिंग में ज़्यादा होती है, तो अगर हम CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो ये देखिए 3000 के आसपास, 3050, है ना। और OH और NH स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो वो भी लगभग 3000 से ज़्यादा पे ही हमें अवशोषण पीक प्राप्त होती है। तो ये एक रफली मोटा मोटा आइडिया है कि सिंगल बंद होगा तो कितने के आजू बाजू में पीक आएगी, 1000 के आजू बाजू में। डबल बंद होगा तो 1600-1700 के आजू बाजू में। अगर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी तो 3000 के आजू बाजू में पीक आएगी। ओके, ये पीक हमें याद करनी होती है, कुछ याद होने के बाद ही हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हम जो आईआर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं उस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पीक कितने पे आई है। अगर हमें कुछ पीक की वैल्यू पहले से याद होगी तो हम वो पीक देख के ये बता पाएंगे कि इतने पे पीक आई है। जैसे मान लो पीक आती है 1715 पे, तो 1715 यानी कि लगभग
1700 के आसपास है, यानी कोई डबल बंद वाला कंपाउंड है, तो वो क्या हो सकता है? 1715 पे कौन सी पिक आती है? कार्बोनाइल सी डबल बंद ओ। तो 1715 पे जब कार्बोनाइल सी डबल बंद ओ पिक आती है तो हम अनुमान लगाएंगे कि कोई कार्बोनाइल क्रियात्मक समूह है इसमें। और देखिए यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखते हैं, ये 650 से लेके 5000 तक की स्केल है हमारे पास में। ये आप देखिए इसमें ये सिंगल बंद है वही 1000 के आस पड़ोस में आ रहे हैं, ये जो डबल बंद है वो 1700 के आस पड़ोस में आ रहे हैं, और सिंगल बंद स्ट्रेचिंग है वो यहाँ देख लीजिए 3131 इसके आस पड़ोस में आ रहे हैं, है ना। तो हम कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि उस एग्जांपल में हमने जो ये याद किया किस प्रकार हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमने एक कंपाउंड लिया, ये ऑक्टेन लिया, ऑक्टेन में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, कोई डबल बंद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सिंगल बंद इसमें नहीं है, ये ऑक्टेन है ना। अब ऑक्टेन में है क्या क्या? देखिए ये ऑक्टेन है, अभी ऑक्टेन में कौन कौन से है हमारे पास? देखिए यहाँ CH2 में एंड पे इस ऑक्टेन में कितने कार्बन होंगे? 8 कार्बन होंगे, तो इसके इस सिरे पे CH3 होगा और इस सिरे पे भी CH3 होगा, बीच में क्या होंगे? बीच में ये सारे होंगे CH2। यानी ऑक्टेन में क्या है? एक तो CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और बीच में सारे CH2 हैं। आपको स्ट्रक्चर सही से पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो जो कौन कौन से बंध हमें प्राप्त हो सकते हैं, देखिए इस ऑक्टेन में कार्बन कार्बन सिंगल बंद है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बंद है। अब जो कार्बन कार्बन सिंगल बंद है उसकी स्ट्रेचिंग हमने आपको बताई थी, सिंगल बंद कार्बन कार्बन 1200 1300, ये 1200 1300। CH2 CH2 बॉन्ड के लिए वही 1400, CH2 CH3 बॉन्ड के लिए। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 3 CH3 के 3 हाइड्रोजन भी हैं CH3 वाले। CH3 इसमें कितने टोटल? 2 हैं, एक तो ऑक्टेन के शुरू वाले कार्बन पे, एक लास्ट वाले कार्बन पे, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन है। दूसरे सिरे पे जो CH3 है उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो sp3 संक्रमित हैं, ये CH वाले हाइड्रोजन CH स्ट्रेचिंग के कारण 3000 के आस पड़ोस में सेंटीमीटर इनवर्स पे पीक हमें देते हैं। जैसे अगर हम इनका ग्राफ और देखें तो ये देखें आप, तो एक ग्राफ तो आ रहा है, आप ध्यान से देखिए 1400 के आस पड़ोस में ये जो पीक आई है, ये कहाँ आई है? 1400 समथिंग पे। और ये जो पीक आ रही है कहाँ आ रही है? 2900 से 3000 के आजू बाजू में, ठीक है, 2900 से 3000 के आजू बाजू। तो ये वाली जो पीक है ये तो कार्बन कार्बन के लिए है, और CH2 CH2 बंद के लिए है, ठीक है। लेकिन ये वाली पीक किसके लिए है जो 3000 के आजू बाजू में? ये वाली पीक जो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है ना CH3, उसमें जो ये वाली पीक है ना, जो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है CH3, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन है 3 हाइड्रोजन है, तो 3 CH बंद होंगे ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन की तनन कंपन के कारण ये पीक आई है 3000 के पड़ोस में। अब देखिए मैंने इसको रंग से भी समझाया है, यहाँ क्या है? गुलाबी रंग है, यहाँ क्या है? ब्लू कलर है, नीला रंग। तो गुलाबी हम देखते हैं कहाँ है, ये देखिए ये जो चैन है CH2 CH2 की, इसमें मैंने कौन सा कलर किया है? गुलाबी। तो गुलाबी कलर जो है वो उसकी पीक ही है गुलाबी वाली है, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। और ये जो नीला कलर है, और नीले कलर पे क्या है? ये CH3 है ना, ये CH3 जो नीले कलर पे, तो इसकी पीक कौन सी? ये नीली वाली पीक, ताकि आप जब देखें तो आप ये पता लगा पाएँ कि ऑक्टेन के किस भाग
पे कौन सा कलर मैंने किया है, तो जो कलर मैंने ऑक्टेन के जिस भाग पे किया है मैंने पीक पे यानी अवशोषण बैंड पे भी वही कलर कर दिया है, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब ऐसा ही है, मान लो हम कोई दूसरा एग्जांपल है देखते हैं, इसको आप स्टडी और कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, पहले तो ऑक्टेन था जिसमें सारे सिंगल बंद हैं, अब ऑक्टीन है, ऑक्टीन में सिंगल बंद के साथ डबल बंद भी अवेलेबल है। अब देखिए ऑक्टीन में वन ऑक्टीन यानी फर्स्ट वाले कार्बन पे ये डबल बंद आएगा, तो देखिए यहाँ तो ये CH2 ठीक है, ये वाला जो है CH3 ठीक है, और यहाँ क्या है कार्बन डबल बंद कार्बन और CH2, तो डबल बंद की पीक भी इसमें आएगी। अब देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कौन कौन सी पीक इसमें आएंगी, एक तो ये CH2 जो यहाँ है इसकी पीक आएगी, एक CH3 जो यहाँ है इसकी पीक आएगी, एक कार्बन डबल बंद कार्बन की पीक आएगी है ना, और एक इसकी ये वाला हाइड्रोजन ना इसकी स्ट्रेचिंग पीक भी आएगी। आप देखिए कार्बन डबल बंद कार्बन के आते हैं 1650 के पड़ोस में, तो 1620 से 1680 CH स्ट्रेचिंग कौन से वाले ग्रुप की, विनाइल ग्रुप की, और विनाइल ग्रुप का ये वाला ग्रुप है, विनाइल ग्रुप जो डबल बंद से जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है विनाइल ग्रुप, देखिए ये वाला ग्रुप है विनाइल ग्रुप CH, कौन सा वाला विनाइल ग्रुप वाला, 3000 के आस पड़ोस में इसकी पीक आएगी ठीक है, और एक ये CH3 की, ये भी 3000 के आस पड़ोस में आएगी। अब हम देखते हैं, देखिए और जो मैंने आपको कहा कि मैंने इसको कलर से किया है, यहाँ मैंने किया पीला कलर, तो मैंने यहाँ डबल बंद पे मैंने किया पीला कलर, तो जो डबल बंद की पीक है वहाँ पे भी मैंने पीला कलर ही किया है, और ये हाइड्रोजन पे मैंने किया ब्लू कलर, तो ब्लू कलर इस हाइड्रोजन की जो पीक है उस पे भी मैंने ब्लू कलर ही किया है। आप ये ग्राफ और से देखिए, ये पीला कलर किसके लिए लिया है, ये पीला कलर 1600 के आस पड़ोस में है, और पीला कलर कहाँ है, पीला कलर कार्बन डबल बंद कार्बन पे है, तो यानी ये पीला कलर जो आया है वो कार्बन डबल बंद कार्बन के कारण आया है, और ये नीला कलर, ये नीला कलर पे जो पीक है वो पीक है विनाइल ग्रुप के CH की, ये देखिए ये विनाइल ग्रुप जो है उसका कार्बन sp2 संक्रमित होता है, इसके CH ग्रुप की स्ट्रेचिंग यानी कि तनन कंपन के कारण हमें 3000 पे पीक प्राप्त हुई है। ये वाली जो पीक है ना, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कारण 1650 के आजू बाजू में, और ये वाली पीक है विनाइल ग्रुप के कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग के कारण, जो कि 3100 सेंटीमीटर की घात -1 पे आई है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के जिस भाग पे मैंने जो कलर किया है वही कलर मैंने इसके ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अवशोषण बैंड आया है, तो जिस भाग के लिए जो अवशोषण बैंड आया उस पे मैंने वही कलर किया है, ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी रहे, है ना। चलिए एल्किन के बाद देखिए एल्काइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एल्काइन का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्काइन में क्या है आप देखिए, पहले एल्काइन में कौन कौन, देखिए एल्काइन में अगर हम देखें तो यहाँ CH2 है ठीक है, यहाँ ये लास्ट वाला जो कार्बन है वो CH3 है, यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग है ठीक है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बंद है ना, तो चार तरह के ये बंद हो गए। अब हम देखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो आता है 2150 पे, तो एक तो ये हो गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी कार्बन तीन बंद कार्बन, ये तो 2150 के आजू बाजू में आएगा, यानी यहाँ दिया हुआ है मान 2100 से 2207 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा जो है वो है CHA वाला, CH3 मेथिल वाली कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग, वो देखिए ये वाला CH है ना, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इसका तो आ रहा है हमारे पास यहाँ
2150 यानी कि 2100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, ये 2150 के आजू बाजू में आता है। दूसरा ये ट्रिपल बंड कार्बन सिंगल बंड हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसकी जो ये देखिए CH की आएगी वो 3200 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी, ठीक है। और एक ये CH2 तो यहाँ ही, और यहाँ कोने पे क्या है CH3 भी है। तो कैसे आई ये पीक मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाली तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए क्या है 2150 2200 सेंटीमीटर की घात -1, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी तनन कंपन की पीक कितने पर आ रही है 3200। तो 3200 सेंटीमीटर की घात -1 के आजू बाजू में जो अवशोषण पीक प्राप्त होगी वो किसके कारण है, वो मेथिन वाले हाइड्रोजन के कारण नहीं है, वो ट्रिपल बंद कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा उसके कारण है। किसके कारण? इस वाले हाइड्रोजन के कारण है वो पीक, ये बाकी हाइड्रोजन के कारण नहीं है, ये जो ट्रिपल बंद कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी पीक आई है कितने पे 3200 से 3300 सेंटीमीटर की घात -1 पे, ठीक है। ट्रिपल बंद की कहाँ आई है 2100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये CH2 की अलग से आएगी और ये मेथिल वाले ग्रुप की भी अलग से आएगी, है ना। ये आपका एल्काइन है, तो कंपाउंड में मैंने कंपाउंड में जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इसको बताया है किससे, इसको मैंने बताया है हरे रंग से। तो IR के जो अवशोषण का स्पेक्ट्रा है उसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए जो पीक आई है, जो अवशोषण बैंड आया है, उस पर भी मैंने हरा रंग कर दिया है। इस हाइड्रोजन को बताया है मैंने नीले रंग से, तो इस हाइड्रोजन के कारण जो IR अवशोषण का स्पेक्ट्रा है उसमें जो पीक आई उस पर भी मैंने नीला रंग कर दिया है ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। सेम कलर के कारण सेम हमारे पास में प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह इसका हरा रंग, यहाँ आप ये हरा रंग देख लीजिए, इसका ये नीला रंग, तो मैंने इसकी अवशोषण पे भी नीला रंग कर दिया ताकि आपको पहचानने में आसानी रहेगी, है ना। देखिए एक और एग्जांपल हम कंसीडर हैं करते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड एथाइल बेंजीन, वैसे पहले हमें सिंपल बेंजीन को स्टडी करना चाहिए, हम दोनों को साथ में ही देख लेते हैं। एथाइल बेंजीन, देखिए बेटा बेंजीन तो ये हो गया, इसके यहाँ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है एथाइल, इसके लिए इसको कहते हैं एथाइल। एथाइल क्या होता है, मैथ एथ यानी दो कार्बन, तो एथाइल होता है CH2-CH3। एथाइल क्या होता है ये आप लोगों को पता है, देखिए बेंजीन और बेंजीन से एथाइल जुड़ा हुआ है, यानी सिंगल बंद से CH2 सिंगल बंद CH3। तो CH2 और CH3 ये वाला ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन में, किस जगह पे ये जुड़ा हुआ है, देखिए ये और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। इसके में हम ये देखिए बेंजीन पे मैंने पीला रंग किया, यानी बेंजीन के कारण जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंड प्राप्त हो रहे हैं उनको मैंने पीला कलर कर दिया था कि पहचानने में आसान रहेगी। और ये जो बेंजीन वाला हाइड्रोजन है, जो बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस पर मैंने नीला ला कलर किया है। अब आप देखिए यहाँ, देखिए बेंजीन, बेंजीन पे पीला कलर, यहाँ ये देखिए पीला कहाँ है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के आजू बाजू में ये रहा, ठीक है। और जो बेंजीन के कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके लिए नीला रंग ये यहाँ ये देखिए 3100 पे, तो 3100 पे जो हाइड्रोजन है बेंजीन के कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी पीक IR स्पेक्ट्रा में कहाँ आ रही है 3100 पे आ रही है यहाँ। और बेंजीन के कार्बन डबल बंद कार्बन की पीक कहाँ आ रही है 1600 1500 1600 1500 1600 के बीच में। आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखी भी है, बेंजीन वाले हैं जो 1500 से
1600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएंगे। बेंजीन वाले क्या, बेंजीन के जो में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है उसके लिए जो पीक आती है वो 1500 से 1600 सेंटीमीटर इन्वर्स आती है। और जो ये हाइड्रोजन है ऊपर, इस हाइड्रोजन के लिए कितने पे पीक आ रही है, ये 3000 से 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पे है। क्योंकि ये कौन सा हाइड्रोजन है, बेंजीन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो विनाइल टाइप से ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि बेंजीन में भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और विनाइल ग्रुप में भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही होते हैं। यह आया आपको, एक जो हरा भाग है एरोमेटिक, एरोमेटिक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बेंजीन के साथ साथ एरोमेटिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम और नेक्स्ट में इथर वगैरह को स्टडी करेंगे। देखिए बेंजीन, बेंजीन में हमने अभी देखा, बेंजीन बेंजीन में आप ये देखिए पीक कितनी आ रही है, 1600 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। लेकिन बेंजीन के साथ में अगर कोई और ग्रुप जुड़े हुए हों तो 1600-1700 से ये पीक और आगे बढ़ जाती है, यानी 1600 तो है ही लेकिन 1700 नहीं, 1800-1900-2000 तक ये पीक आ सकती है। तो बेंजीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूट जैसे मैथिल एथिल वगैरह ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पर जुड़े हुए हैं तो 1600 से 1700 की वाली पीक तो आएगी क्योंकि वो आ रही है बेंजीन के कार्बन डबल बंद कार्बन के कारण। लेकिन अगर पड़ोस में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है यानी प्लस आई प्रभाव शो करने वाला ग्रुप है तो पीक 1600 से लेकर 2000 तक आती है। देखते हैं कैसे, देखिए बेंजीन जिसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन जिसमें दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑर्थो पोजिशन पर, फिर नीचे तीसरा वाला बेंजीन जिसमें तीन ग्रुप है जुड़े हुए मेटा पे, फिर बेंजीन जिसमें चार ग्रुप जुड़े हुए पेरा पे। अब देखिए बेंजीन जिसमें एक ग्रुप था मोनो सब्स्टिट्यूटेड उसके लिए ये ग्राफ आया है, ठीक है। बेंजीन जिसमें दो ग्रुप थे ऑर्थो पे उसमें ये ग्राफ आया है, मेटा वाले में ये ग्राफ आया है। और अगर हम पेरा वाले की बात करें तो पेरा वाले में देखिए आप किस तरह से सार पीक प्राप्त हो रही है, बेंजीन जिसमें दो ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों ग्रुप सेम हैं लेकिन पैरा पोजीशन पे हैं तो उसके लिए कितनी सार पीक प्राप्त हो रही है। तो इससे हम अंदाजे लगा सकते हैं कि बेंजीन पे जो दो समान ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ऑर्थो पे हैं तो ये ग्राफ आएगा, मेटा पे है तो ये ग्राफ आएगा, और पैरा पे तो ये सबसे नीचे वाला ग्राफ आएगा। देखिए यहाँ पर बेंजीन के साथ जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उनके पीक के बारे में बताया है, जैसे बेंजीन के साथ आर एल्किल है समूह है तो 600-700-800 तक पीक आएगी, दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो 750-800 तक, जो एल्किल ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे है तो 800, पैरा पे है तो एक पीक आ जाएगी 800 से लेके 890। लेकिन ये कौन सी वाली पीक आएगी वो आप देखिए, यहाँ जो मैंने पीक आपको बताई है ये कौन सी है, देखिए ये जो 1600 से 2000 वाली पीक है ये बेंजीन के कार्बन डबल बंद कार्बन के कारण आई है, ठीक है। 1600 से 2000 की वाली पीक है ये बेंजीन के अंदर जो कार्बन डबल बंद कार्बन उनके कारण आई है। और यहाँ हम जिन पीक्स की बात कर रहे हैं, जिन अवशोषण बैंड की बात कर रहे हैं, ये कार्बन डबल बंद कार्बन के कारण नहीं है, ये बेंजीन से जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ, आर यानी एल्किल ग्रुप, जैसे मान लो मैथिल जुड़ा हुआ है CH3, तो आर ग्रुप के कारण आई है ये पीके। ये जो 700-800-900 वाली पीक है ये बेंजीन में जो एल्किल प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है CH3 या CH2 CH3 उसके कारण पीक आ रही हैं। और इससे पहले जो हमने देखा कि बेंजीन में ये वाली पीक जो 1600 से 2000 सेंटीमीटर की घात -1 के कारण आ रही थी, ये बेंजीन के कार्बन डबल बंद कार्बन के कारण आ रही है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं ना तो उसमें कार्बन डबल बंद कार्बन भी तो होता है, उसके कारण आती है 1600 से 2000, ठीक है। और नीचे ये जो 700-800-900 में पीक आ रही है बेंजीन के साथ जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसके कारण आ रही है ना। आप इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी
कीजिएगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसकी एक रिवीजन क्लास भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास बना दूंगा। इसके नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसका असाइनमेंट भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से पे डाल दिया, आपको असाइनमेंट जितना समझ में आ जाए आप कीजिए, और उनकी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि मैं एक बार देख लूँगा कि स्टूडेंट्स को कहाँ समस्या आ रही है। तो आपके लिए एक अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी मैं बना दूंगा। हम आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग 20 कंपाउंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ 2-3 कंपाउंड ही स्टडी किए हैं, 20 कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करके पूछ सकते हैं ना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए फॉर नाइस डे। थैंक यू।